हेलो दोस्तों दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो आज एग्ज़ाम हुआ था एफए के लिए उसका पार्ट टू वीडियो और इसमें हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर करना क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन विच फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन महालिनोबेस मॉडल तो आपको बताना था कि महालिनोबेस मॉडल पे इनमें से इंडिया का कौन सा फाइव ईयर प्लान बेस्ड था फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर फोर्थ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी सेकेंड फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज नॉट वन ऑफ दी फोर मैन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको बताना है चार मेन फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के तो आपको बताना कौन सा इनमें से उन चार फैक्टर्स में से नहीं है लैंड लेबर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कैपिटल तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट आपको बताना था कि लॉरेंस कर्व जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है इन चार ऑप्शंस में से टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी एंड डिमांड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट सी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं टिमटिमाते हैं तो वो किससे होता है चार ऑप्शन से आपके पास एटमोस्फिर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट डिस्पर्शन ऑफ स्टारलाइट स्कैटरिंग ऑफ स्टारलाइट या फिर प्रिजम इफेक्ट तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट एटमॉस्फिरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब आपको बताना था कि लाइट बल्ब को किसने इन्वेंट किया तो चार ऑप्शन थे आपके पास इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए थॉमस एडिसन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन पॉपुलरली कॉल्ड एज बी सी जी वैक्सीन इज ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द डिजीज आपको बताना था कि बी वैक्सीन जो है ये किस डिजीज को प्रिवेंट करता है यानी उसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है चार ऑप्शन थे ट्यूबर क्लोसिस या फिर ज्वाइनिस तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए ट्यूबर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द हार्डेस्ट मटीरियल प्रजेंट इन बॉडी आपको बताना था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो हार्डेस्ट मटीरियल होता है वो कौन सा होता है चार ऑप्शन आपके पास डेंटिन एनिमल या फिर फ्यूमर तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी एनिमल नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट मेलेबल मेटल तो इनमें से मेलेबल मेटल मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है चार ऑप्शन से आपके पास गोल्ड कॉपर सिल्वर या फिर अलूमिनियम तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए गोल्ड दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि मेलेबल एक मेटल की वो क्वालिटी होती है कि किस मेटल को आप कितना हैमर कर सकते हैं कितना आप उसको मार सकते हैं ताकि उसकी शेप आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ड्राई आइस आपको बताना था कि इनमें से ड्राई आइस क्या है लिक्विड नाइट्रोजन वॉटर आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्रोजन एथनॉल तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आपको बताना था कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का जो कॉमन नेम है वो क्या है चार ऑप्शन थे आपके पास हैवी वाटर ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर uh, तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी ब्लीचिंग पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना था कि वॉशिंग मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है ऑप्शन डायलिसिस डिफ्यूजन रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर सेंट्रिफ्यूगेशन तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था पार्ट डी सेंट्रीफ्यूगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर आपको बताना था जो शॉर्ट साइट या शॉर्ट साइटेडनेस ह्यूमन आई में होती है वो किससे ठीक की जा सकती है चार ऑप्शन आपके पास कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बाईफोकल लेंस सही आंसर इसका था दोस्तों पार्ट बी कनकेव लेंस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था पार्ट बी रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस आपको बताना था कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है ट्रोजन वर्मस माइक्रोवायरस या फिर नॉटन तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्टी डी नॉर्थर्न नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विथ आपको बताना था जो टर्म फ्लॉस है ये किस से एसोसिएटेड है इनमें से नॉन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर नन आप दिये? सही आंसर था इसका दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेक्स्ट व्हील प्रिंटर इज टाइप ऑफ प्रिंटर आपको बताना जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये किस तरह का प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट लेजर या फिर लाइन तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था पार्ट बी डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओनड बाय माइक्रोसॉफ्ट आपको बताना था कि माइक्रोसॉफ्ट इन में से किस क्लाउड स्टोरेज सर्विस को ऑन करता है आई क्लाउड वन वन ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव तो सही आंसर था इसको जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव है यानी पार्ट बी इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज आपको बताना था कि जो फोन की स्टोरेज है वो क्या है कैश मेमोरी रैम एक्सटर्नल या फिर रोम तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी रॉम लेकिन यहां पर एक्सटर्नल भी इसका आंसर बताया जाता है तो यहां पर आप को क्या लगता है इसका सही आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या है रॉम या फिर एक्सटर्नल नेक्स्ट क्वेश्चन इन आई टी एक्ट टू थाउजेंड विच सेक्शन डील्स विद पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म साइबर टेररिज्म के लिए इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि पनिशमेंट से डील करता है आईटी एक्ट एक्ट 2000 के मुताबिक 66 ए, 66 बी, 66 एफ या फिर एफ सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी सिक्सटी ए. एफ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्चड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड तो चार ऑप्शन है आपके पास डीजी साइन डिस्क ई साइन डिस्क ऑनलाइन साइन डिस्क या फिर गूगल साइन डिस्क तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी ई साइन डिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन है वट ड स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व आपको बताना था कि स्मार्ट गवर्नेंस के लिए इनमें से कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है तो चार ऑप्शन थे आपके पास मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेटिंग आई टी टू इम्प्रूव सर्वस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग तो यही इसका सही आंसर है यानि पार्ट बी नेक्स्ट क्वेश्चन द उमंग एप यानी एप्लीकेशन अलाउ सिटीजन्स टू एक्सेस उमंग एप्लीकेशन जो थी वो सिटीजन्स के लिए लॉन्च की गई थी इससे सिटीजन किस चीज़ को एक्सेस कर सकते थे वर्चुअल रियालिटी गेम्स स्ट्रीमिंग मूवीज गवर्नमेंट सर्विस एंड इन्फॉमेशन या फिर ऑनलाइन फिटनेस क्लास तो इसका सही आंसर था वो था पार्ट सी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन तो दोस्तों ये थी पार्ट टू वीडियो आज के एफ एनि अकाउंटेंट फाइनेंस के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के बारे में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा कि हम बाकी जो क्वेश्चन हैं उन पर भी वीडियोज़ बनाएंगे तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो करता हूँ यही एंड लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको फेसबुक पर भी डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर